भिलाई में एक बार फिर से गोली चलने का मामला सामने आया है। पुलिस कंट्रोल रूम से महज चंद कदम की दूरी पर स्थित ग्लोब चौक में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात गोली चल गई। बताया जा रहा है कि तीन युवक रात करीब 2 बजे जो सरगुजा जिले के विश्रामपुर के रहने वाले हैं, आपस में गाली गलौज करते हुए अपने बाइक से जा रहे थे। इसी बीच पीछे से भिलाई नगर थाना क्षेत्र का कुख्यात अपराधी अमित जोश अपनी बाइक से उनके पीछे पीछे पहुंचा और उनसे विवाद करने लगा, जिसके बाद अमित जोश ने अपने जेब से पिस्टल निकाली और दो लोगों पर फायर कर दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का इलाज जारी है। फिलहाल दोनों खतरे के बाहर बताए गए हैं। पुलिस इस पूरे मामले पर सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ अमित जोश की पतासाजी कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि अमित जोश पुराना शातिर अपराधी है, जो कि 5 दिन पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया है। फिलहाल पुलिस विवेचना कर रही है। भिलाई नगर थाना क्षेत्र के सेंट्रल एवेन्यू रोड में ग्लोब चौक के आगे मोटरसाइकिल में विश्रामपुर निवासी तीन युवक जा रहे थे। इसी बीच उन लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, पीछे से एक मोटरसाइकिल आया जिसमें दो लोग सवार थे। उन लोगों के साथ किसी बात को लेकर के कहा सुनी हो गई, वहीं उतर गए। बाद में उनके दो साथी और आ गए। इसी बीच जब विवाद इनका ज़्यादा बढ़ा तो एक युवक ने 3 राउंड फायर किए, दो लोग वहाँ पर घायल हो गए। घायलों को उस युवक ने ले जा करके पहले चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल ले गया, वहाँ से शंकरा हॉस्पिटल ले गया। उसके बाद उनकी स्थिति नाजुक होने से उनको फायर और हायर ट्रीटमेंट के लिए रायपुर भेजा गया है। अभी दोनों की स्थिति स्थिर है, गंभीर नहीं है, खतरे से बाहर है, ऐसा बताया गया है। और मौके पर से जब वहाँ पर 3 खोखे भी मिले हैं और 2 आरोपियों को, संदेही आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। अमित जोन्स नाम का एक बदमाश का नाम इसमें शामिल आया है, अभी उसकी भी खोजबीन की जा रही है। गैंग वार वाली स्थिति ऐसा नहीं है, ये चूंकि एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं और जो घायल युवक हैं वो विश्रामपुर सरगुजा के रहने वाले हैं। यहाँ एक जियो कंपनी में काम करता है, एक PSC की तैयारी कर रहा है और एक युवक अपने रिलेशन में परसों ही आया हुआ था, तो एक दूसरे को नहीं जानते, तो गैंगवार जैसी कोई स्थिति नहीं है। पिस्टल बरामद हो गया सर? अभी आरोपी नहीं पकड़ा गया है, जो फायर किया है वो जब पकड़ा जाएगा तो आगे। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है और लगभग सभी जगह को एक साथ देखे ऐसा कोई वो नहीं है। पेट्रोलिंग थी हमारी, पेट्रोलिंग सेक्टर 6 A मार्केट, उस समय को उसका लोकेशन था। घटना के बाद यहाँ पर आए थे, मौके पर गए, मौके पर कोई नहीं मिला, न ही वहाँ पर किसी प्रकार के कोई फायर के निशान थे, लोग बता भी नहीं रहे थे। इस तरह की घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक है, बट पेट्रोलिंग थी। अमित जोन्स के ऊपर पिछले महीने ही अमित जोन्स के ऊपर कार्रवाई हुई थी, जिसको गिरफ्तार करके जेल दाखिल किया गया था। उसकी जमानत हुई है, जमानत से बाहर आया हुआ था और ये घटना कार्य तो उसने किया है। उसके कुल यहाँ भिलाई नगर थाने में 25 मामले दर्ज हैं और भी इसमें कड़ा एक्शन लिया जाएगा। वो स्मृति नगर में अपने दोस्त के यहाँ पार्टी करना बताए थे, वहाँ से उन लोग चलो सिविक सेंटर घूमने आते हैं ऐसा सोच करके घूमने आए थे। 2 बजे रात को? 1:30 बजे रात के आसपास लगभग। ठीक है, थैंक यू।